तेलंगाना न्यूज टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। ताहिर बिन हमदान ने चेयरमैन तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी के चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी, नौ मुकर्रर करदा अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल और डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी शेख लियाकत हुसैन और उर्दू अकेडमी के अमला, कांग्रेस कायदीन और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान की मुख्तलिफ लोगों ने गुलपोशी और शालपोशी की और मुबारकबाद दी। ताहिर बिन हमदान ने अपने ओहदे का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात की। ताहिर बिन हमदान साहब सदर हुसैन उर्दू अकेडमी तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी आज जायजा ले रहे हैं। अल्लाह इनको उर्दू अकेडमी की सही खिदमत करने की तौफीक दे। सर इधर हजरत भाई इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए हजरत भाई, हजरत भाई तेलंगाना रियासत उर्दू अकाडमी के चेयरमैन के होदे पर आज चार्ज लेने के बाद मेरे साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अजमतुल्ला साहब, माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हमारे भाई उबैद कोतवाल साहब, हमारा ज़िला कांग्रेस के सदर मोहन रेड्डी साहब और हमारे बोर्ड के डायरेक्टर लियाकत साहब, उन सबको मेरे तरफ से सलाम और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को भी मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। चार्ज लेने के बाद हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर जो डायनामिक पर्सन खुसूसन उर्दू की भलाई के लिए, उर्दू बोलने वालों के लिए, उर्दू सुनने वालों के लिए आज जो मुझे ये मौका दिए, मैं रेवंत रेड्डी साहब का सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हुए उनकी सारी कैबिनेट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ हमारे ज़िले के जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब, एमएलए बोधन और शब्बीर भाई, माइनॉरिटी एससी एसटी बीसी के एडवाइज़र महेश कुमार गौड़, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट एमएलसी डॉक्टर भूपत रेड्डी, हमारे रूरल के एमएलए, उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए खुसूसन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, आज सोनिया गांधी जी और हमारे स्टेट के इंचार्ज दीपा दास मुंशी जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हम सब यहाँ पर तीनों जो बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़कर कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम्स को लेकर अवाम में जाने की जो हम लोगों ने कोशिश की, आज कांग्रेस पार्टी रिकग्नाइज कर हमको ये होदा दिए। हम आप सबका खुसूसन उर्दू से जो ताल्लुक़ रखते उन सबका एडवाइस लेकर हमारे लिमिट्स में जो है उसके पूरे प्रोग्राम्स आपको बताते हुए अवाम में लेके जाएंगे। और आज तेलंगाना रियासत में 6 गारंटी के साथ जो हम अवाम में जा रहे, अवाम के तरफ से मकबूलियत मिल रही, उस मकबूलियत को हम
कांग्रेस पार्टी के जानिब से हमारे से जितना हो सके कोशिश करेंगे कि आवाम की खिदमत करने का जो मौका हमें दिया गया वो मौके में खुसूसन मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को शायद ही नहीं मालूम है, मैं आज से 35 साल पहले केशव राव साहब के पास एक जर्नलिस्ट के तहत काम किया स्वादमी हूँ। लिहाजा खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया वालों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, हमको कोऑपरेट कीजिए, अगर हमारे कुछ गलतियाँ आए तो भी बताइए, हम सही रास्ते पे चलने के लिए आप लोग हमको मौका दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।